बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान मसूद आलम रिज़वी मीडिया फोकस के प्रोग्राम मारूफ पाकिस्तानी के साथ हाज़िर है। पहले की तरह आपने प्रोग्राम हमारे देखे होंगे, आज भी हम एक बड़ी मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत से आपका तारुफ़ कराएंगे और उनको हमने मधु किया है। और मैं समझता हूँ कि वो ऐसी शख्सियत है जिसको हर पाकिस्तानी बूढ़ा जवान बच्चा जानता है, किसी को उन्होंने खेल के मैदान में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मकाम पैदा किया, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ और हमें और हर पाकिस्तानी को उन पर फ़ख्र है। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान जनाब जावेद मियादाद। जावेद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सबको मेरी तरफ से। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। जो भी सुनने वाले हैं, जितने भी हैं, सबको मेरा सलाम। बस इस हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उनको सलाम पहुँच गया और मैं समझता हूँ कि सब आपको सलामती की दुआ ही करेंगे वालेकुम सलाम कह करके। खुशी की बात ये है और हमारे इस मीडिया फोकस के लिए कि आपने वक्त निकाला और आप आए हमारे इस प्रोग्राम में, और आपसे बस कुछ दिल की बातें होंगी, कुछ आपके तजुर्बे की बातें होंगी कि क्रिकेट के लिए जो आपने अपना एक सर्विसेज हैं आपकी, वो आजकल हमारे यहाँ ये बड़ा हो गया है कि ज़रा किसी ने कुछ किया तो वो लेजेंड में आ जाता है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि लेजेंड होना बड़ा मुश्किल काम है और बहुत कम लोगों की किस्मत में है कि वो लेजेंड कहलाएं। लेकिन ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और कामयाबी दे। मैं इस प्रोग्राम का जिस तरह आपसे ज़िक्र भी हुआ था, शुरू हम इस तरह करते हैं कि आपके बारे में लोग जानते होंगे कि आपने क्रिकेट में क्या क्या आपने किया, लेकिन बहुत सारे बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हों कि आपका बचपन कहाँ, वालदेन के साथ क्या आपका रिश्ता और उनसे क्या रिश्ता, जैसे बिगिनिंग जी हाँ, और स्कूल कॉलेज और फिर इस तरीके से। और आप तो खैर एक बड़ी कम उम्री में ही इस क्रिकेट की दुनिया में आ गए, तो मैं उसमें आपसे पूछूंगा कि आप के बचपन के हालात और बहन भाई ये इनके बारे में बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे मतलब हम लोग चार पांच भाई थे, दो बहनें थी जी, टू सिस्टर फाइव ब्रदर्स एंड मदर एंड फादर। और मेरे फादर जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड रहे। बिल्कुल, वो खेलते भी रहे क्योंकि एक्चुअली माइग्रेट फ्रॉम इंडिया से ही हुए, मगर जब इंडिया में थे तो वो नवाब ऑफ पालनपुर जो होते थे उनकी रेसिडेंसी में होते थे। अच्छा, ही वॉज देयर एंड दे यूज्ड टू प्ले, अपने स्पोर्ट्स भी खेलते थे। अच्छा। उस जमाने में ये नहीं था क्रिकेट, ये नहीं था, स्पोर्ट्स जो है ना वो होती थी, तो ये सब तकरीबन सारी चीज़ें खेलते थे, तो स्पोर्ट्समैन रहे। अच्छा। फिर माइग्रेट कर गए, पाकिस्तान आ गए जी। पाकिस्तान आके तो लाजिम बात है कि मेरे फादर जो थे मौला बख्शो, उनको के बड़ी क्रिकेट के बड़े शौकीन भी थे, खेलते भी थे। अच्छा। और फिर वो उनके पास एक टेक्निकल चीज़ वो थी कि ही यूज्ड टू वर्क फॉर कराची कॉटन एसोसिएशन के लिए। अच्छा। तो कॉटन को एग्जाम करना और उसको है ना फिर बना के और रख के, और ये कॉटन एक्सपोर्ट होती थी पाकिस्तान। एंड ही वाज द राइट, उनको अभी बैंक प्लाजा के सामने एक एसोसिएशन की है। वो तो आई रिमेम्बर, मैं छोटा था जाता था तो पूरा फ्लोर जो था ना वो तो उसमें ये होता था कि लोग सारे पाकिस्तान से सैंपल्स आते थे और गठड़ियाँ बन के आती थी, ये उसमें रूई होती थी, कॉटन क्लासर्स कहलाते हैं, क्लासर्स जो उनको ग्रेड करते हैं। तो ये काम तो
आपने जैसे अपनी कॉटन भेज दी वो आ जाती थी, माई फादर यूज टू ना चेक, देन ही यूज टू मेक बॉक्सिस और ये वो टेक्निकल ये सारी चीजें करके ना, और फिर वो पास होती थी और फिर उसको है ना वो मिलता था कॉन्ट्रैक्ट, जो भी मिलता था राइट। तो उसके है ना मेरे फादर जो और क्रिकेट का भी उनको अच्छा क्रिकेट का भी शौक था क्योंकि खुद खेलते रहे, खेलते थे जब इंडिया में थे खेलते थे, फिर यहाँ पाकिस्तान में भी जब आए तो अहमदाबाद के नाम से ना एक जिम क्लब बना हुआ था जिमखाना, जिसमें मेरे फादर के और भी जाने वाले आफ्ताब बलोच के फादर भी खेलते थे, एम एस बलोच और ये वो उस वक्त है ना तक क्रिकेट। फिर माई फादर वॉज यानी कि सर मुस्लिम हारून मुस्लिम जिमखाना जो था जी। सर अब्दुल्ला हारून मुस्लिम जिमखाना था ये सर अब्दुल्ला हारून उनकी ये थी, तो वहाँ पर ये क्रिकेट ग्राउंड भी था और वो क्लब भी बना हुआ था एक तरीके से, वहाँ बिलियर्ड होती थी, ताश भी होते थे, वो जी। सारे मेंबर्स जो थे इट वॉज द लाइक अ कराची जिमखाना और ये इस तरह के मेम्बरशिप का था। तो माई फादर यूज टू रन क्रिकेट, तो हमारी टीम का नाम था मुस्लिम जिमखाना और वो दैट वॉज मुस्लिम जिमखाना में ही है ना कराची क्रिकेट एसोसिएशन को एक जगह दी हुई थी और ऑफिस भी था, तो ऑल द मेंबर्स जितने भी कराची में कराची क्रिकेट एसोसिएशन से रिलेटेड होते थे वो रोज शाम को उस क्लब में उस जगह पे आते थे। मैं ये कहूँगा क्रिकेट का शौक आपको अपने वालिद से मिला, यानी कि खानदान से समझ ले, क्यों मैं मेरे बड़े भाई जो है उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ली, अच्छा। उनसे जो छोटे थे उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। आपके बड़े भाई के मेरे बड़े भाई अल्लाह बख्शे बशीर मियादाद थे और क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली उन्होंने और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। फिर मेरे उनसे छोटे हनीफ हनीफ मियादाद इज इन कैनेडा नाउ, बशीर भाई एक्सपायर वो इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद फिर मैं आ जाता था। फिर मेरे बाद दो भाई अनवर मियादाद और सुहेल मियादाद, उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली। अच्छा मैंने आपकी किताब जब पढ़ी तो उसमें आपने अपनी वालदा का जिक्र किया कि वो आपको हाफिज़ कुरान बनाना चाहती जी, बिल्कुल बनाना उस पर कुछ बताएं तो फिर कि वहाँ से फिर उनका शौक था क्योंकि बिल्डिंग का ज़माना था और वहाँ पर लाजिमात है कि पड़ोस इतना होता था, तो वहाँ तो मैं उस ज़माने में बढ़ के मुझे शौक भी था, मैं किरत भी पढ़ता था किरत करता था। फिर मुझे लगाव है ना इस चीज़ से बहुत था। फिर मुझे याद है कि हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी लेडी ओल्ड लेडी होती थी, मैं उनकी खिदमत भी करता था। अच्छा कि जब भी मैं मेरे अंदर ये मतलब था मैं अच्छा जो आपके तसव्वुर से लोग सुनेंगे बताएं कि मैं उस वक्त इतना वो होता था कि बिल्डिंग के ज़माने में भी तो हमारे रोड पे 5 है ना फ्लैट्स होते थे। अच्छा यूं करके ये रहता तो जब मैं कुछ कराची की बात कर रहे हैं कराची में। ये था मतलब जंशो लाइन जगह एक जगह है वहाँ पर बंदोल उस साइट है ना वो एक बिल्डिंग होती थी ये ओल्ड कराची हुआ ना रणछोड़ लाइन जी 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 वो था ही यही यानी कायदे आजम के मजार तक तो कुछ था ही नहीं उसके बाद तो ये पासी कॉलोनी ये वो ये थी या फिर इंटीरियर जो हमारा जो खादा दाद और ये वो ये सारी चीजें थी तो स्कूल भी वहीं थे CMS स्कूल लालन रोड पे था नियर टू खादा दाद और ये वो तो वो बड़ा अच्छा स्कूल चर्च मिशनरी था। आपका स्कूल कौन सा था CMS चर्च मिशनरी वो थी और वहाँ पर है ना वो भी है चर्च भी है जितने भी किशन जो थे वो रहते भी वहीं थे और पढ़ाते भी थे भाई तो इसके तो वहाँ से मेरे बड़े भाई ने भी उनसे छोटे ने भी मैंने भी मेरे भाई ने छोटे जो थे उन्होंने भी पढ़ाई और उसके बाद फिर है ना बड़े भाई ने SM कॉलेज छोटे भाई ने भी मुझसे बड़े जो थे उन्होंने भी SM कॉलेज और मेरी भाई जो सिस्टर थी वो वहाँ पर कराची कॉलेज होता था मेन सिविल उसके बाद वो ये मिशन रोड कहलाता था वो मिशन रोड आगे था मगर हाँ बिल्कुल अच्छा तो वहाँ पर वो उन्होंने वहाँ से तालीम पाई। अच्छा तो जो जो फादर जो थे माशाल्लाह वो ये थे कि खुद एजुकेटेड थे तो उन्होंने हमें पढ़ाया बेसिकली पढ़ाने पे ना सबको जोर दिया सारे भाई बहने 5 भाई हम 2 बहने 7 मतलब सबों ने माशाल्लाह मैं एक भाई दूँ जो कॉलेज गया कि और उसके बाद मेरी क्रिकेट ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सका।
मगर मैंने स्कूलिंग जो की थी वो की थी हमारी ये चर्च मिशन स्कूल जो था उससे बड़ी अच्छी थी स्कूल उस टाइप की तो वो थी। तो मैंने फिर प्रीमियर कॉलेज को ज्वाइन किया, प्रीमियर कॉलेज जो नाजाबाद में होता था वहाँ पर। तो क्रिकेट के लिहाज से उस वक्त बड़े हर SM कॉलेज ये कॉलेज ये कॉलेज बड़ी ऑफरें देते थे डीजे साइंस कि आप यहाँ आ जाओ इधर यहाँ आ जाओ, ये वो गवर्नमेंट के कॉलेज में थे। तो मैं प्रीमियर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया हुआ था और मैं खेलता था वहाँ पर भी। एक सर थे खान साहब करके नाम था उनका, खान साहब कहते थे नाम मेरा। वो क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के बड़े वो थे। अच्छा। और बल्कि हमारी अंडर 19 की एक दफ़ा टीम जब बनी थी और वो गई थी कराची से तो वो हमारे मैनेजर भी थे, हम लोग लाहौर खेल के आए थे। ये होगा तो ये पुरानी हिस्ट्री जो है ना। अच्छा, कॉलेज से हुआ फिर अब आप आते हैं, मैं चाहता हूँ अंडर 19। तो मैं मतलब खेलता था पोलो ग्राउंड ये खेला, फिर है ना मुस्लिम खाना चला जाता था वहाँ फील्डिंग विल्डिंग की, ये वो था, इस तरह से शौक था। फिर उसके बाद जब टीमें बनी तो मैं सिलेक्ट हुआ अंडर 19 के लिए हुआ। फिर अंडर 19 का मैं कप्तान भी बना पाकिस्तान। अच्छा। अंडर 19 और ये कब की बात है, किस साल की? ये है 74-5 की ना। अच्छा। 74-5 में वी वेंट टू इंग्लैंड, वहाँ मेरी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो 74-5 में है ना मुझे पिक कर लिया था टोनी ग्रेग। टोनी ग्रेग वाज द कैप्टन ऑफ ससेक्स काउंटी एंड आल्सो ऑफ इंग्लैंड एंड कैप्टन फॉर द इंग्लैंड आल्सो। अच्छा। तो जॉन सुनो भी खेलता था हमारे और अच्छे थे, मतलब काउंटी में तो सारे ऑल द टेस्ट क्रिकेटर्स वर प्लेइंग जो इंग्लैंड के लिए भी खेलते थे, मैं काउंटी ओवरसीज वाले भी। तो मुझे वहां से जो है ना ऑफर मिली, तो मुझे उन्होंने ट्रायल मैच दिया था कि हम एक ट्रायल मैच देखना चाहते हैं। अभी अभी ये वर्ल्ड कप वाली बात शुरू हुई है, मतलब वर्ल्ड कप 75 को खेल के उसके बाद आई वाज इन प्लेइंग लीग विकेट नॉर्थ में एक जिमी ईरानी करके, आई वोंट फॉरगेट। इसका बेटा भी है ना रोनी ईरानी, प्लेड फॉर इंग्लैंड, ही वाज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड आल्सो। अच्छा। मगर जिमी ईरानी वाज फ्रॉम पाकिस्तान, ही वाज पारसी, माइग्रेटेड इन इंग्लैंड, वहाँ इन एक क्लब लिया हुआ था डेजी हिल एंड ही वाज कैप्टन। और आप यकीन करें जिमी ईरानी यूज टू साइन फॉर ओवरसीज ये ना प्रोफेशनल ये वो तो क्लब की इतनी वो नहीं थी कि दे कैन पे दैट मच मनी। अच्छा। तो ही यूज टू पुट मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट टू गेट द बेस्ट प्लेयर। अच्छा। के बेस्ट प्लेयर होते थे उस वक्त लाजिमा था $1,000 $1,000 में आपसे ले लेते थे, 800-900 ये रेट था, 400-200-300 के ये वो था। और संडे और सैटरडे मैच होता था 20 वो मतलब हाफ डे और 40 ओवर 30 ओवर 40 ओवर के होते थे और ये था। इस तरह से क्रिकेट में मैं बिगिनिंग से ना मतलब कि अच्छे लोग सुने तो उनको पता चले स्टार्ट क्रिकेट किस तरीके से थी। तो उसी टाइम पे मुझे ससेक्स ने ऑफर कर दी थी, तो उन्होंने बोला कि एक ट्रायल मैच दिया था मुझे। अच्छा। अगेन हेम्पशायर था या क्या था, तो मुझे ना बोला कि अच्छा मैं फिर वहाँ से ट्रैवल करके बोल्टन से ससेक्स टोनी के देखो, तो उन्होंने ना मुझे ट्रायल मैच दिया तो मैंने ना डबल शॉक कर दिए, शॉक किया और फिर शॉक किया। अच्छा। तो मुझे उसी वक्त उन्होंने ना साइन मतलब कि यस। अच्छा, अब मैं ऑलरेडी लीग के साथ भी था। yeah. तो फिर उन्होंने कहा था नहीं डोंट वरी अबाउट इट, लीग का कॉन्ट्रैक्ट आप रखो बट यू विल प्ले ओनली सैटरडे एंड संडे। अच्छा। नहीं सैटरडे संडे नहीं और वीकडेज में होंगे, वीकडेज काउंटी क्रिकेट होती थी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो काउंटी थी। yeah. तो मगर वो इतने अच्छे मतलब ससेक्स की वो थी अपनी कमेटी और ये, उन्होंने कहा नहीं नहीं यू मस्ट कीप प्लेइंग और हम भी वॉन्ट यू हियर। अच्छा। तो ससेक्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही जाते 100 किए फिर 200 भी कर दिए ये वो। तो जब भी मैं वीकेंड वहाँ खेलता था और काउंटी क्रिकेट इनके लिए वेनसडे थर्सडे फ्राइडे
और संडे लीग का होता था, अगर मेरा नहीं है तो मैं संडे लीग भी खेलता, जॉन प्लेयर होती थी वो सब। ये आपको उन्होंने अकोमोडेट करने के लिए अरेंजमेंट किया? उन्होंने मुझे नहीं छुटाई, तो आई हैव सो मच दिस वर्क टू टोनी ग्रे। टोनी ग्रे ही वाज कैप्टन ऑफ इंग्लैंड आल्सो, मगर थोरो जनरल ही वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अच्छा। और उस वक्त लोग बड़े तो बात करते थे साउथ अफ्रीकन ये वो लाइक दैट, मगर ही वाज द यू नो थोरो जेंटलमैन। उसके बाद इमरान भी ससेक्स में आए, वो भी आए। अच्छा, अब हम इमरान साहब आते हैं, अब आते हैं वर्ल्ड कप पे, जो 75 का वर्ल्ड कप था। अभी आपने टेस्ट नहीं खेला था, लेकिन आपने या सेलेक्टर्स ने आपको वर्ल्ड कप के लिए उस स्क्वाड में शामिल किया। आपकी पिछली परफॉर्मेंस देख के किया होगा अंडर 19? बिल्कुल बिल्कुल, आई वाज ऑन परफॉर्मेंस राइट। या बिल्कुल, तो उसके बारे में बताएं। उस वक्त देखिए, आपको पता कि उसको बोर्ड को कौन रन कर रहा था? जी एच कादा साहब, अब्दुल हफीज कादा, अब्दुल हफीज कादा साहब। अच्छा, वो पाकिस्तान के पास कप्तान रहे और ये वो, तो एक दो आदमियों से ना क्रिकेट बोर्ड चलती थी। सही बात, कदाफी स्टेडियम में देखता था कि कादा साहब, और किसी की मिजाल नहीं होती थी उस वक्त कि चेयरमैन हो और कोई लड़का नजर आ जाए। ऑब्वियसली जब आपने वर्ल्ड कप के लिए यानी टेस्ट, ये भी बड़ी बात है कि बिल्कुल उस खेलने से पहले आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद मैंने 75 से 79, फिर 82, फिर 87, फिर 92 वी वॉन द वर्ल्ड कप, फिर 96 उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अपने क्रिकेटर्स अगर हमारे सुन रहे हो कि देखिए, हमारा काम है रन करना, बॉलर का काम है बॉल में बॉलिंग करके विकेट लेना, हर एक के अपने अपने काम है, उससे ताल्लुक रखो, लेट पीपल विल टॉक अबाउट यू। बिल्कुल, उनका काम है तुम्हारे स्कोर कार्ड और आपके है ना जितने भी है ना रिकॉर्ड्स है, उनका काम है तो जमा करें। हमारा काम है खेलना, रिकॉर्ड क्या छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि रिकॉर्ड के आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर 100 की है तो आप नेक्स्ट टाइम हंगरी हो 200 के लिए, 100 पे आउट नहीं हो जाए। ये जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं कि देखो 100 के बाद 200 करता है, दिस इज द टीचिंग आई लर्न फ्रॉम माय फैमिली। माय फादर यूज्ड टू से कि 100 के मैंने आज सेंचुरी की, आउट और नॉट आउट, आउट 100 के बाद कोई आउट होता है? इज राइट कि इस टाइम पे आप वो जहां आपको फुटबॉल नजर आ रही हो, आप जल्दी आउट हो जाए, मैं जल्दी आउट हो जाऊँ, नो दे डोंट माइंड माय फादर, नो कि ठीक है अच्छी बॉल पड़ गई, आउट हो गई, चले कोई बात नहीं भाई। मगर सेट होके मैं इसलिए आपके इस वक्त थोड़ा टाइम लेके बोल रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं उन बच्चों के लिए ये एक मैं लेसन दे रहा हूँ टीचिंग। देखो, सेट होके आउट नहीं होता, सेट होके आप टीम को लेके, और हमेशा अपना फोकस टीम रखो, टीम को करोगे तो अपने आप खुद ब खुद होगा। बिल्कुल, मगर तुम अपना सोचोगे वो नहीं होगा। दैट इज द टाइम वंस यू बिकम यानी कि सेल्फिश, उसमें तुम आउट भी कराओगे, सब भी करोगे, खुद भी आउट होगे, ये चीजें हो सकती हैं और होंगी। मेरा ख्याल है कि जब ये वर्ल्ड कप हुआ और उसके बाद जब आपको पहला टेस्ट आपने खेला, न्यूजीलैंड आई थी शायद, जी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आपकी 163 की थे वो, 163 मैंने किए थे पहले, और पहली इनिंग में ही। जो बात मैं बताना आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये कि वो आप और आप नंबर 4 बैट्समैन, जी पोजीशन आपकी हुई, लेकिन उसी फर्स्ट टेस्ट में ही जो शुरू में ही को 2-3 आपने कहा कि मैं रिलैक्स बैठा हूँ, चौथे नंबर पे है तो जब तक मेरी बारी आएगी, लेकिन ये वही टेस्ट था जिसमें कि वो शुरू के तीन विकेटें गिर गई थी और कोई 33 रन थे और आपकी बारी आ गई, इसलिए आप नंबर 4 बैट्समैन थे, तो आप वहाँ गए और उसके बाद आपने बात की आसिफ इकबाल आपके साथ, जी, और वो फिर आप दोनों ने मिल करके स्कोर को आगे तक पहुँचाया। और ये भी कहीं मैंने सुना, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि वो आसिफ इकबाल वॉज मच सीनियर प्लेयर, लेकिन ये मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप उसको कुछ चीज़ें
बता रहे थे। बस एक क्या था, बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि मैं अभी भी आज भी एक नेचुरल चीज थी मेरे अंदर। तो मैं इसलिए अपने पाकिस्तानियों को कि भाई मैंने प्रूफ किया हुआ है, आपने प्रूफ करना है, डिफरेंट बिल्कुल। तो हमेशा उसको फॉलो करो जिसने प्रूफ किया हुआ हो, जो कि रोल, और उसको अपने इर्द गिर्द रखो। यहाँ सिलेक्टर बनाते थे जिसे टेस्ट नहीं खेला, यहाँ सिलेक्शन कमेटी वो जिसको अली बे नहीं पता, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से? आई मीन दीज पीपल आर, मतलब ये पाकिस्तानी है? पाकिस्तान क्या होता है, मैंने गुरुओं को देखा है, कहते नो आई डोंट डिजर्व, यू डिजर्व बेटर देन मी, यू शुड बी। अच्छा, ये मैंने कि नो नो इज बेटर देन मी, ई शुड बी। आपके चैनल से मैं ये चीज़ें, मुझे अच्छा मौका मिल रहा है, वरना अमूमन ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, तो आई वॉन्ट टू के जी डिटेल में, मैंने तो कर ली है, मुझे तो कुछ नहीं, मैं पास ऑन करना चाहता हूँ अपने लोगों को। सही, मगर ये अगर दुनिया में जाएगा तो आप देखने के दुनिया इसको किस तरह से फॉलो करेगी। मुझे इंडियन क्रिकेटर किस लेवल पे मानते हैं आप सोच नहीं सकते। तुम तो गुरु हो, गुरु हो, गावस्कर जैसा कहता है तू गुरु है, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं, मतलब राइट, मगर वो एप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं। खुद कुछ कम लेवल, इतना बड़ा प्लेयर, मैं कहता हूँ कि उसके जैसा प्लेयर मैंने नहीं देखा, कि एक आदमी का शॉट इतना शॉट, और उस जमाने में बॉलर की बॉलिंग ही यही होती थी, एंड इसको डबल डबल सेंचुरीज, गुड ऐसे आके खेलते, मतलब वाह। मैं पीछे से बोल रहा होता था, कभी लिफ्ट नहीं कराई मुझे, बात तक नहीं की। अच्छा, तो एक दफा ऐसे ही हुआ था, मैं बोलता मैं अपने तरफ से बोलता जा रहा हूं। आपकी बात कंटिन्यू करके, ये बात भी हमने सुनी है बल्कि पढ़ी, कि आप बोलते भी रहते थे और ये जो उनके बैट्समैन है वो उसके उलझते भी रहते चलता था, मस्ती मजाक चलती थी उसमें भी, कुछ रात को एक कमरे में सब बैठे होते थे, हंसी मजाक, खाना पीना खा रहे। और ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप? जब हम गए 76 7 7 8 में जब हम गए ना इंडिया गए, उसी टूर पे ना। शहर कौन सा था ये? तो ये हम लोग बेंगलोर में थे, बेंगलोर में थे, और वहां पर है ना रेस्ट हो गया था, दिवाली की छुट्टी थी ये वो ना, तो हमें तो इतना नहीं, मगर पता तो था कि दिवाली वहाँ तो पूरे इंडिया में तो एक बहुत बड़ा त्योहार रहता है ना इनका। कहने का मतलब मेरा ये है कि यार हम आज भी जो सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि देखो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रहो, ये मुल्क और इसकी लड़ाई नहीं होती, इसको लड़ाई के तौर पे नहीं लो, इंजॉय करो। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमने उस टाइम पे हम इंडिया पाकिस्तान हमारे आपस में बैठना उठना खाना पीना मस्ती मजाक ऑफ द फील्ड हमारी ये एक्टिविटीज थी। आजकल इतने इंसिडेंट्स बन जाते हैं, इतने नहीं, तो मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान टीम आती है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि गिव देम यू नो होस्ट एज ए उनको फुल बुक अटेंशन रिस्पेक्ट एंजॉयमेंट एंड एवरीथिंग दी जाए। और जब हम जाएं तो ऑब्वियसली यू विल गेट द सेम थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि क्रिकेट में ये हेटेड सिस्टम खत्म हो, जो शुरू हुआ है अभी भी एक दूसरे को ये हुआ, तो करें जरूर करें, जस्ट फॉर द फील्ड ऑफ द फील्ड आपका कंडक्ट, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने जो इंजॉय किया था इस इंजॉयमेंट में, वो आज भी याद है। वो टूर बहुत टूर किए, स्पेशली इंडिया टूर एवरीबडी नो, अब किसी से भी पूछ लें, इमरान से भी पूछेंगे, वो भी बताएगा कि हम मतलब किस तरीके से ना हमने आपस में, उनके पास भी अच्छे प्लेयर थे, क्वालिटी प्लेयर थे, टॉप प्लेयर थे, हम भी थे, पब्लिक भी थी, सब थी, वही पब्लिक थी, मगर मिजाल है, मगर इंजॉय करते हैं, यू हैव टू गो। आप अपने मतलब अब अगर हम ही करने लगेंगे तो दूसरी तरफ से तो आने ही आने। बिल्कुल बिल्कुल, गिव एंड टेक। आपका ये भी मतलब कहने का ये भी है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रखा जाए, उसमें पॉलिटिक्स के साथ इंजॉय करें, एंजॉय भी करें। स्पोर्ट्स में अगर इंजॉय नहीं कर रहा वो तो पागल हो जाएगा।
बैठा हुआ है, अच्छा भाई 100 कर लिया ठीक है, फिर भी बैठा हुआ है, 0 किया तो वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। नहीं तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, देखो रन आपने 0 किया, मैं क्रिकेटर्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि तुमने 0 किया, उस 0 को देखो कि तुम्हारी गलती क्या थी, तुमने क्यों किया, कैसे हुआ ये वो, तो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा कि आई वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। मेरा जब मेरा उस टाइम पे मेरा जहन कुछ और था, मेरे जहन में कुछ और चीज थी, और ये होता है, आप सोच कूद रहे आउट कहीं होते हैं। अब जब आपने छक्के की बात की तो फिर लगातार छक्का भी, तो उसी पे जरा अब आपने याद दिला दिया, अल्लाह का बड़ा करम, कौम को भी मालूम है, लेकिन मैं सबकी दुआ है पाकिस्तान, आपसे भी सुनना चाहता हूँ कि वो छक्का जब हुआ आखिरी बॉल से पहले, या यूं आखिरी ओवर जो था, आखिरी तो बहुत देर की बात आ गई ना, ये तो लेट आ गई ना, वो शुरू से ऐसा हुआ था कि रन अच्छे भले थे जी, तो हमारी विकेटें जल्दी गिर गई। अच्छा आपको पता है कि वनडे में ऊपर के 4-5 जो है वो ही बैट्समैन होते हैं जी हाँ, बाकी 4-5 आपके वो आ जाते हैं विकेट कीपर ऑलराउंडर ये आ जाते हैं बॉलिंग करने वाले भी जी हाँ। मेरी कॉन्सेंट्रेशन ही यही थी टॉप, और मुझे पता है मेरा क्या है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लाइक आई मस्ट फील मोर रिलैक्स, बॉल आएगी जब देखेंगे उससे ही खेलेंगे ना। फिर मैं आपको उसी छक्के पे लेके आना चाहता हूँ, क्या था, क्या आखिरी ओवर तक जब पहुँचे और बड़े टेंस था पूरा माहौल, वो आखिरी ओवर आपने कैसे उसको पहले तो किया है, क्या? मैं कहता ना कि खेलते गए चलते गए कि यार मेरा तो ये था कि जावेद गो अनटिल द एंड, हार जो है हार तो गए कि यार 50 रन से आ जाए 40 रन से आ जाए कोई बात नहीं, 100-150-200 रन से हारना जो है ना वो बहुत पिंच करता है ना, तो बस खेल रहा था इसी लिए कि जावेद अपने आप से बात यही थी कि बस खड़ा रहे कि इज्जत से हार जाए। और आपके पार्टनर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुके थे, वो तो होते तो गए थे मगर ठीक है, वो जो उस वक्त टाइम पे जो लोग प्लेयर आ रहे थे वो बेचारे यंगस्टर थे। Ball coming up, 4 runs required. लेकिन मैं अब 1986 और छक्के से फिर आपको पीछे ले जाता हूँ, 77-78 जब आपने क्रिकेट टेस्ट वो हुआ न्यूजीलैंड का, उसके बाद इंडिया का दौरा हुआ बेंगलोर टेस्ट, बेंगलोर उसके बारे में भी जब बताएंगे, जो बड़ा टफ कंपटीशन था और टफ कंपटीशन, मुश्ताक मोहम्मद आपके कैप्टन थे उस वक्त, मुश्ताक थे, तो उसके भी अगर आपको याद जानी करें कि वो जो बेंगलोर टेस्ट जो हमने जीता वो, उसके बारे में कुछ आपको मैं सुनना चाहूँगा नाज़रीन के लिए। नहीं क्योंकि एक लाती बात है कि वो एक हिस्टोरिकल था कि जिस तरीके से हम जीते थे, प्लेयरों ने बड़ी मेहनत की, सब ने यानी बड़ी कंट्रीब्यूशन की, और एक जज्बा था, क्योंकि लाती बात है कि आपको जज्बा जो है ना वो ही हर चीज़ को लेके चलता है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, जीतने का जज्बा आ जाता है, सब चीज़ आ जाती हैं साथ ही, राइट। आप कभी भी ये, मैं तो सिर्फ एक लफ्ज़ ज़रूर कह दूंगा कि भाई किसी चीज़ को भी इम्पॉसिबल और नहीं होगा ये ना कहें, ये ना कहें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू हैव टू फाइंड अ वेज, तो ये जज्बे होते हैं, तो प्लेयर को भी क्रिकेट के साथ जैसे दूसरी फील्ड में है तो इसको भी उसमें लें, कुछ चीज़ें आती हैं, क्रिकेट एक लफ्ज आ गया मगर तौर तरीके जो है ना आदमी से मिलते हैं, सही, हमारी आदमी के साथ अगर लगा लें दिमाग तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, एयरफोर्स के साथ लगा लें तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, नेवी के साथ पुलिस के साथ लगा लें तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, और ख़ास तो आर्मी नेवी और एयरफोर्स वो अपने मुल्क के लिए लड़े अकेले, पीछे क्या किसको छोड़ के जाते हैं पूरा खानदान जी, तो उनका बताएं क्या है,
तो हमारे पाकिस्तानियों में जब तक हम पाकिस्तानियों को, मेरी रिक्वेस्ट है कि लुक थिंक अबाउट लाइक दैट, यार हमारे बगैर पाकिस्तान नहीं, हम पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान को लेके जाना है तो हम ही लेके जाएंगे और उसमें कोई नो नहीं। अब कैसे जाएंगे? मिलके जाएंगे। प्लीज ब्रिंग एवरीबॉडी क्लोज टू यू, अपने नजदीक लाओ सबको, प्यार मोहब्बत रखो, बातें चीतें करो। आपके चैनल से मैं ये सबक देना चाहता हूँ अपने, ठीक है मेरी तो गुजर गई, कि व्हाट आई हैव इन माय माइंड और व्हाट आई लर्न मैं थ्रू आउट माय अपनी, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से प्रोफेशनली मैं आगे था। जी हाँ बिल्कुल, कैरी पैकर भी खेला सब पे, वो जो सुनते थे लोग याद आ जाते थे, अल्लाह ने सब कुछ दिखाया, तो कोई तो वजह थी। तो आज मैं वो पास आउट करने आपके पास हूँ। बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस पे बात करते हुए फिर आपसे ये भी कुछ 79 का जब मैंने जिक्र किया बंगलोर, 79 का लाजी बात है कि जो आपने बात की थी ना कि लाजी बात है कि क्रिकेट तो है ना, हम चाहते थे जीतना, क्योंकि अच्छा बेस्ट चीज़ ये थी कि दोनों टीमें हारना नहीं चाहती थी। उस टूर के बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो फिर आप, ये 1980 की बात है कि आपको कप्तानी के मनसब पे फायज किया गया, और मेरा ख्याल है उस वक्त आपकी उम्र कोई 22 साल और कुछ, 22 साल करीब थी उस वक्त। मैं खेलते खेलते आते के साथ ही ऑल ओवर तकरीबन एक चीज घूम गई थी, मुश्ताक भाई, सादिक भाई के, अगर इन्होंने, मुश्ताक साहब ने भी कहा था कि अगर मेरे नज़दीक एक प्लेयर है, उम्र में छोटा है मगर उसकी क्रिकेटिंग ब्रेन जो है ना वो सबसे ज्यादा है, क्रिकेटिंग माइंड उसका बहुत अच्छा, वो मुश्ताक साहब। हालांकि आप उस वक्त, आपसे 6-7 प्लेयर्स आपसे सीनियर थे और ठीक ठाक सीनियर थे, और वो कैसे मैनेज किया आपने या कप्तानी को उन सीनियर प्लेयर्स के साथ? देखिए मैनेज तो अगर आप तोड़ फोड़ करने आओ तो कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। अपने आप को सही करें, हर प्लेयर को अपने आप को सही करना। एक लीडर बन गया, बट लीडर एक्सेप्ट करो। सही बात। तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है खेलना। यू मस्ट फील हैप्पी टू बी सिलेक्टेड। या आपके उससे यही कह दूंगा प्लेयरों को, सबसे मेन चीज थी मेरी कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं। कप्तानी नहीं थी, कप्तानी एक तो बनेगा कोई, तो मेरे अंदर ब्रेन था, मेरी क्रिकेटिंग में क्रिकेट नजर आ रही थी कि लीडर की, लीडरशिप की जी। तो जो बच्चे अब मुझे सुनते हैं, मैं उनको ये कहूँगा जो क्रिकेट तुम जब खेलते हो तो उस तरीके से खेलो, अगर तुमने कप्तान भी बनना है ना तो तुम्हारी क्रिकेट जो है उसके इर्द गिर्द खेली जाए, उस तरह की इनिंग खेलो, उस तरह की परफॉर्मेंस करो, क्योंकि फिर तुम कप्तान बनोगे तो तुम्हें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं देगा। तो वो वैसे जो कहते हैं कि 2 साल आप रहे कप्तानी में ठीक, तो क्या फर्क पड़ा? फिर आ गई मुझे बाद में। जी हाँ, तो कुछ लोगों के अपने गोल थे, एंगल थे। भाई मुल्क के लिए एंगल नहीं बनाओ, मैं मुल्क के लिए आपका सबसे बड़ी जो चीज़ है प्रायरिटी, जो सुन रहे हैं उनको होनी चाहिए, टू रिप्रेजेंट कंट्री। कंट्री रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो सबसे मेन चीज है। कप्तान तो एक बनेगा कोई भी, सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान आपसे बड़ी मुफीद बातें हुई, जो आपने बड़े खुल के चीज़ें बयान की हैं। मैं कुछ क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं उस पर आपका ज़रा व्यू लेना चाहता हूँ। बीच में जिक्र आया था कैरी पैकर का, वो एक बीच में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ 1977 में मेरे ख्याल है, तो वो उसके बारे में क्या, उसने क्रिकेट को बेनिफिट किया नहीं किया, क्या नुकसान हुआ उससे? तो और इशूज़ भी हैं जो अंपायरिंग, देखिए कैरी पैकर आज जो क्रिकेट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कैरी पैकर, यानी उसने बेनिफिट किया, पैसा आया कैरी पैकर। अच्छा, उन्हें क्रिकेट में पैसा नहीं था उस वक्त। अच्छा, उससे पहले मैंने पहले टेस्ट खेला, 1,000 रुपये टेस्ट फीस थी, उसमें सब कुछ करो। अच्छा ठीक है ना, 3 टेस्ट के लिए 3,000 ले लो, चले जाओ बस, ऐसा ऐसा फिर ना
पैसे भी बढ़े, ये बढ़े, क्योंकि जब पैसा आया तो कैदी पैकर में लोग जो गए थे क्रिकेट अपनी जगह है, मगर पैसे के लिए भी थे भाई। एक आदमी इतनी, क्योंकि क्रिकेट की कोई गारंटी तो नहीं है ना। इफ यू सिलेक्टेड देन यू विल प्ले, अगर तुम्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो व्हाई नॉट। फिर उसके बाद अगर मैं एक, यानी कि अगर मेन प्लेयर हूं और मुझे ऐसा ऑफर आए तो मेरा नंबर वन तो मुझे होना चाहिए लो मैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल मैन। फिर यहां आ जाता नहीं कंट्री कम फर्स्ट पर, तो फिर कंट्री को भी सोचना चाहिए यार इसका है तो फिर वो दे सकते, तुम क्यों नहीं दे सकते फिर। सही। तो इस तरीके से तो अब ये पैसा बढ़ा है, आजकल के क्रिकेटर जो हैं अब इनके क्यों नहीं कम कर रहे, तो भाई तुम अभी तो खेले ही नहीं हो, उनको 2,000 रुपए दे, मगर एक जो बन गया अब वो ही ले रहे सब, उसी तरीके से जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमने अपना वो निकाला, जब प्राइज मनी होती थी हमने कहा, मैं था उस वक्त राइट मैन, नहीं प्राइज मनी मैन ऑफ द मैच, वो एवरीथिंग विल बी शेयर, क्योंकि मैच से पहले किसी को पता नहीं होता कौन मैन ऑफ द मैच होगा। सही बात। तो एटलीस्ट तुम्हें भी कुछ मिलेगा, उनको भी कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा, और उससे एक रिलेशनशिप अच्छी रहती है। मुआवजे से हट के भी मैं आपसे पूछा कि उस कैरी पैकर का और क्या कोई फायदा, चीज में आपसे शेयर करूं कि कैदी पैकर ने जो क्रिकेट जो थी ना, वो क्रिकेट में पैसा लेके आया ठीक, और उसको उसका ये था कि उसको वो ऑस्ट्रेलियन टाइकून था माशाल्लाह, और उसको वो यानी कि Channel 9 उनका था, तो उनको वो क्रिकेट दे नहीं रहे थे, वो करते हुए नहीं दी, ABC थी उसको दे दी थी, अब वो आई थिंक दैट ABC इज अ गवर्नमेंट ऑफ वो हो गया ना शायद। तो जब इससे ये देखा, ही वाज वेरी क्लेवर शूट, तो उन्होंने कहा अच्छा, यानी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन से ही कर रहा था भाई, ये आपस की इनकी लड़ाई है। उसने लेके, उसके पास पैसा था, अगर पैसा नहीं होता तो आज कैदी पैकर कहीं भी नहीं होता। उसने अपने चैनल शुरू कर दिया था, उसका चैनल तो ऑलरेडी था, Channel 9 था, अब उसको तो विकेट क्रिकेट दिखला था, अब उसको तो पैसा दे भी नहीं आ रहा बल्कि। तो उसने पूरी दुनिया से, अच्छा उस वक्त पूरी दुनिया में पैसा नहीं था, जिस प्लेयर को भी ऑफर आई उसने नो नहीं कहा, क्योंकि अच्छी ऑफर थी। आप जब खेल रहे हैं क्रिकेट, आपको पता नहीं कि आप कितना खेलेंगे, आज परफॉर्म करेंगे तो कल खेलेंगे ना। तो किसी को मौका मिला कि हाँ यार ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो हर आदमी जाएगा कि यार ठीक है मैंने क्रिकेट तो खेल लिया, ये खेल लिया, मगर लाजिम बात है कि अगर मुझे एक ऐसी आउट ऑफ वो चीज है तो मैंने अपना 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 फ्यूचर भी तो देखना है, मुझे कल का तो नहीं पता, मगर आज मैं ये खेल लेता हूँ तो ऑब्वियसली इफ आई गेट दैट मच तो मेरा ना फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। तो क्रिकेट इज नॉट अ फ्यूचर जी, इज मतलब इफ यू डू समथिंग देन इज फ्यूचर, इफ यू डू समथिंग फ्यूचर, क्योंकि आपको पैसे मिलते जाएंगे, और जब आपने जीरो किया तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा, आपसे इस पे बात होने के बाद आपसे एक दो और इश्यूज पे भी मैं पूछना चाहता हूँ जो जरूरी, कि न्यूट्रल एम्पायर्स ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों जरूरत पड़ी न्यूट्रल एम्पायर्स रखने की, एम्पायर तो ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में हम लोग ने मतलब इमरान ये उस वक्त तो बड़ा जोर के न्यूट्रल एम्पायर आ जाए कि ये चिक चिक खत्म हो जाए। क्यों आ जाए, ये मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखें हर हर टीम जो है ना होम एडवांटेज लेती थी, ठीक, होम एडवांटेज एम्पायर के थ्रू लाजिम बात है कि मिल जाते थे, मिल जाते थे। अब मैं अंपायर हूँ, मैं भी अंपायर हूँ, ठीक है अब राइट हो, अगर कोई 19-20 डिसीजन मैं मतलब पर्पजली नहीं कर रहा मगर मेरी हो गई तो वो किस खाते में जाएगी, ठीक, तो कोई उस यानी कि डिसीजन से है ना वो नहीं होता था, कन्विंस नहीं होता था,
अच्छा तो फिर क्या किया? तो फिर ये न्यूट्रल अंपायर कि यार भाग के अंपायर लाओ। तो अब हमारे अंपायर जो है पाकिस्तानी अंपायर वो इंग्लैंड में जाके करते हैं ना, इंग्लैंड वाले यहाँ करते हैं, तो अंपायरों का तो वही हिसाब किताब चल रहा है, मगर उसमें आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक, अगर भारत के अंपायर आ गए बिकॉज इज नॉट बिलोंग टू योर ओन कंट्री। ठीक, तो पहले जमाने में जो क्रिकेट होती थी वो ये अपने अंपायर रख के मैच जीतते थे, और जब भारत खेलने जाते थे उनकी टीम है ना 70-70 में भाग होती थी। ये इंडिया में भी होता था उनके अंपायर जो होते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो न्यूट्रल अंपायर्स का ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया, यानी हमारी तरफ से हुआ, जैसे आप या इमरान खान, इनका इनिशिएटिव था, किसी ने इस बात को बढ़ाया होगा ना जी? हम लोग का था बिल्कुल, इमरान का था बिल्कुल, था ये यही थी, क्योंकि हम चाहते थे ना कि यार रिजल्ट आने चाहिए, मैं जीत भी जाऊँ और आप उल्टा कह के चल रहे हैं, और ये अपने अंपायर से, अभी भाई अंपायर से तो सो वोट, ये तो चले आ रहे थे। अच्छा। आज से थोड़ी 1950 से आ रहे हैं। एक और अब आपसे इख्तिताम की तरफ हम आए, एक और इशू है वो जरा थोड़ा सा कंटेंशियस होगा, यानी कंट्रोवर्शियल, कि आपकी अपनी किताब में ये ऑक्सब्रिज कॉम्प्लेक्स की बात हुई है। ऑक्सब्रिज कॉम्प्लेक्स मतलब ये कि हमारा कप्तान जो होना चाहिए पाकिस्तान की टीम का, उसको अंग्रेजी जरूर बोलनी आनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं आपसे वही रिव्यू अच्छा, लेता हूँ कि ये कोई ये जिसको आपने ऑक्सब्रिज यानी ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड अच्छा ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज करके ऑक्सब्रिज कॉम्प्लेक्स कि ये इसमें जवाब दे, उस वक्त है ना इन चीजों को बहुत माना जाता था। इस वक्त क्या है? उस वक्त चंद लोग जाते थे, भाषाओं के लोग जाते थे, वेल्दी लोग जो थे ना जी, जी, जी। उस वक्त वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते थे। नॉर्मल आदमी बेचारा वो जाना चाहता है मगर इसके वसाइल नहीं होते थे, वो ब्रिलियंट होता था। अब आप देख लेना कि जिसके पास था वो चले गया, उसको तो थप्पा लग गया, बाहर से आए बाहर का थप्पा लग जाता है, फिर जॉब आपको पहले मिल जाएगी। कहने का मकसद ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो कप्तान हो रवानी के साथ अंग्रेजी बोलता हो। क्यों? मेरी मादरी जबान है, मेरे से मादरी में बात करें, अभी आप मादरी में ही कर रहे हैं ना। या नहीं, बात होती है जब आप फॉरेन टूर पे जा रहे हैं और वहां पे वो अपनी बोलते हैं, वो क्यों नहीं चेंज करते, फिर उर्दू सीख के आया करें। तो मतलब तो ये नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं अंग्रेजी अच्छी बोलनी आनी चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट जो जो बेचारे गूंगे होते हैं, वो भी तो जिंदगी गुजारते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड गुजारते हैं। नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम इंग्लैंड में जाके देखा है, वो हमसे ज्यादा शार्प है, इस तरह का करके बता देते हैं सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि ये डजन में किसी चीज के लिए अच्छाई में जाना ना दी बेस्ट है। वो जो आपने उसको आउट किया था, उनका जो ऑस्ट्रेलियन जी रॉडनी हॉक को, जी जी, उस जमाने में आउट थे, वैसे भी आउट है, वैसे भी अगर आप क्रीज से बाहर है भाई, क्या हमारा गार्डन में आए हुए आपके यहाँ। जावेद जान साहब, आपके साथ बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है इस वक्त, और मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो तजुर्बा और जो आपके दिल में है कुछ कहने को, वो आप बड़ी रवानी से और बड़ी खलूस से शेयर करते जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि नाज़रीन ख़ास तौर पे हमारे नौजवान नाज़रीन जो हैं उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और उस पर ध्यान से सुने, इसलिए कि आपने नशेब और फराज पाकिस्तान की क्रिकेट में देखे हैं, उसके थ्रू गुजरे हैं, और बहुत सारे तजर्बे आपको उसमें उन तजुर्बात में एक दो ऐसे भी हैं जो कि मजाहिया तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि क्रिकेट में एक जेंटलमैन्स गेम कहलाता है, शायद वो जेंटलमैन गेम वाली बात उसमें नहीं थी, वो भी आपसे ज़रा थोड़ा सा पूछूंगा उसके बारे में। और दूसरा ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप पाकिस्तानी क्रिकेट को कैसे देखते हैं, और इसको बेहतर करने का, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर, उस पर भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इसलिए कि बहुत मुफीद बातें और वो बातें जो कि आपके दिल में हैं। और ये भी मैं कहूँगा कि आपने अपनी आप बीती लिखी ऑटोबायोग्राफी, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे ख्वानगी का मयार या परसेंटेज बहुत कम है, और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो अब
किताबें पढ़ने का उनको नहीं होता, लेकिन ये जो चैनल है इसको ये है कि इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को बातें पता लगेगी जो कि आपने किताब में भी लिखी है, इसलिए पढ़ने वाले बहुत कम। तो ये आप एग्री करेंगे कि ये आपके आने से ये एक फ़ायदा होगा। तो मैं एक तो वो लिली का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में आप मुख्तसर बताएं। मैं अगर हूँ, जैसे अगर मैं पीसीबी में हूँ तो मैं सबसे पहले तो जितने हमारे प्लेयर पुराने हैं उनसे, जैसे आप मेरे इंटरव्यू कर रहे इसी तरीके के इंटरव्यू की वीडियो बना बना के ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रखूँ। अच्छा, और बच्चों को दे दूँ कि लो, इंस्पायर होते हैं ना बच्चे। तो बिल्कुल, अब आप वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, सलीम मलिक थे, सारे प्लेयर थे, ये क्या कम थे? पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किए बहुत। अब आप बुलाएंगे तो पूछते हैं तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। नहीं तो बल्कि पाकिस्तान के, मैं अगर बोर्ड में हूँ और आया तो मैं सबसे पहले ये सब किया ना ये करके रखूँगा पाकिस्तान क्रिकेट की, क्रिकेट में स्टेडियम में वो रखी जाएगी और वो दी जाएगी बच्चों को। जाओ सुनो, आप ये चाहेंगे कि वो लोग भी अपने तजुर्बे बयान करें। भाई देखिए, मैं अकेला तो प्लेयर नहीं था ना, आपके पास आप कह रहे हैं मुश्ताक हनीफ मोहम्मद साहब, अल्लाह बख्शे उनको, उनसे बड़ा क्रिकेटर यहाँ से कोई मैंने नहीं देखा। इसी तरीके से उनकी पूरी फैमिली में वो चीज आई कि देवर प्लेइंग क्रिकेट विद माइंड, टैलेंट इतना, कुछ लोग टैलेंट से खेले, टैलेंटेड थे, माइंड नहीं था, बस टैलेंट। तो टैलेंट को यूज करे अगर माइंड तो तुम टॉप क्लास पे जाते। तो ये इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि जो लोगों को आप अगर अच्छे हैं तो अपने दिमाग को यूज करो तो तुम ऊपर जाओगे। टैलेंट ही नहीं होता, टैलेंट में तुम दो दफा आउट भी हो जाओगे। इंसान आउट होता है, तीन चार दफा आउट हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जीरो पे आ जाता है। आज आप 100 करें और कल नहीं और परसों वाली इनिंग में आप जीरो करें, आप जीरो पे आ गए, सब भूल जाता है। 100 करना होता है। तो क्रिकेट में एवरी टाइम यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, 1 2 3 4 गिनते जाओ, करते जाओ टाइम, और वक्त दोगे तो जितना आप विकेट पे ठहरोगे इतने रन आप कर सकते हो। आज आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, आप सुबह 11 बजे 10 बजे मैच शुरू हो, 5 बजे तक आप बैटिंग करें, मैं अभी लिख के देता हूँ आपके 140 रन तो या 30 रन तो जरूर होंगे। सही, सेंचुरी करनी है 5 घंटे दो हमारे 100 हो जाएंगे। 50 करने हैं, अच्छा 50 को अब 2.5 घंटे दे दो, खड़े तो दो 2.5 घंटे, खड़े रहोगे तो हो जाएंगे, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। तो आपके तफसल से ये क्यों अमूमन चैनल पे और ये चैनल पे जो है कि मैं इसलिए थोड़ी ज्यादा बातें कर रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे दिल में है, मैं करने को ख़त्म तो 2 मिनट में कर दूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आपके तफसल से इससे कि सारी चीज़ें जाएं जो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों को, कि यार ठीक है टाइम ज़्यादा है, टाइम तो मेरा ही ज़्यादा है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं अच्छा ये एक टीचिंग लेसन भी हो जाए कि हमारे जो सुनने वाले होंगे आपके तो बेचारा उनको ये पता चले कि भाई मैंने क्या क्या बात की और मैंने वो बातें की हैं जो क्रिकेट के रिलेटेड है और क्रिकेट को इस तरीके से खेलनी है और इस तरीके से लेके चलनी है और इस तरह बेहतर करना है, बेहतर में बेहतर करेंगे आप। जब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा आपके पास खुद यू क्रिएटिव हो जाओगे, आप खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि एक लेने के बाद आप दूसरे पे जाते हैं ना, जब एक ही नहीं आ रहा तो दूसरा कहाँ से आएगा। हमारे साथ ये वो एक लिया वो फेंका दूसरा, उससे अच्छा करते करते इससे आदमी है ना हाई लेवल पे जाता है। ये फिर मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि आप किन खिलाड़ियों से मुतासर रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नहीं मतलब हर कंट्री के पास अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, जैसे विव रिचर्ड था, तेंदुलकर है, अच्छा एलन बॉर्डर था, ग्रेग चैपल थे, दोनों शपाली जो थे बड़े ज़बरदस्त प्लेयर थे राइट। और इसी तरीके से आप इंडिया में देख लें गवास्कर, मेरे नज़दीक तो गवास्कर से बड़ा प्लेयर मैंने
नहीं देखा, नहीं देखा। मैं जो भी है, यस आज के जो भी प्लेयर दे आर गुड क्रिकेटर, मगर अपने टाइम पे क्योंकि उसको क्वालिटी देखो, हाइट, और ही यूज टू फेस दोस टाइम जो आज फेस नहीं कर सकते, या एक फास्ट बॉल लगा था हालत बुरी हो जाती है, वो चार चार को उसने खेला है ऑस्ट्रेलिया, ही इज द ओनली पर्सन जो वेस्ट इंडीज को है ना, और वेस्ट इंडीज में किए रन। बैटिंग में गावस्कर का नाम लिया, बॉलिंग में मैं अपनी तरफ से कहता हूँ शायद आप लिली से बहुत इंप्रेस थे, और लिली के साथ जो एक वो भी जरा मैं ग्रेट बॉलर, ग्रेट ग्रेट, क्योंकि वो जिस तरह की उसकी आउट स्विंग थी, जिस तरह की स्पीड थी, यानी कहते कि उस वो उस टाइम का बॉलर था कि इतनी विकेट आसानी से नहीं मिल सकती थी, सबके पास वन ऑफ द टॉप क्वालिटी प्लेयर्स थे, वेस्ट इंडीज गॉर्डन वो आई थिंक गैरी सोबर्स भी खेलता था, ऊपर की उनकी जो टीमें आती थी 6-7 तक तो नाम मिले तो वन ऑफ द टॉप जिन्होंने रूल किया, तो इसी तरीके से उनको लाने वाला आप एज देंगे जरूर, आज की क्रिकेट को मैं नहीं कह रहा वो आज के ज़माने की है, मगर हम अभी भी सोच सकते हैं कि यार वो क्रिकेट आप जो खेल रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं वेल प्लेड, मगर आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो क्रिकेट में 50 रन जो थे ना वो 150 के बराबर होते थे, इतना आसानी से करने नहीं देते थे। आप तो उसको इतना बड़ा बॉलर रेट करते हैं, लेकिन उसने आपके साथ जो किया था वो तो अच्छा नहीं किया, वो जो एक वाकया हो गया था एक टेस्ट मैच के दौरान। Lily really did ask for that, and that's really very silly. Javed Meander, hello. My goodness. Well, this is absolutely disgraceful. It really is absolutely stupid. I cannot understand. Lily actually asked for that. He encroached upon Javed Meander's line, and we very nearly had ourselves a fight on the ground. And you can see, he there aiming a kick at Javed Meander, and Meander aiming to hit Lily with a bat. And umpire Crafter here doing a very good job. दरअसल होता ये है कि आउट ऑफ पाकिस्तान और ये वो जो जो कंट्रीज हैं जैसे इंग्लैंड ये वो ना, वहाँ पर सबसे बड़ा ऑफेंस जो है ना, इफ यू हिट समवन फ्रॉम द बैक आप गए काम से, सामने तो फिर भी सही है मगर पीछे अगर कोई करेगा और फिर ये लैग करनी, तो मुझे तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, अगर डेनिस लिली को आई फील सॉरी फॉर हिम, वहाँ की ओन पब्लिक ने किया, मैंने नहीं किया, वहाँ की पब्लिक ने इतना बुरा माना उस चीज को कि चैनल ने कमेंटेड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं करेंगे, इफ इज हम तो खेल रहे थे, हमें क्या, हमारे यहाँ तो तप्पड़ भी पड़ जाता कोई बात नहीं, हो गई उस वक्त पकड़ लिया, ये कर लिया, खत्म हो गई ना बात, मगर उस कंडक्ट को वहाँ की अपनी लोगों ने उससे वो बहुत वो उसको बेचारे उसको फर्क पड़ा था, राइट, ही न्यू कि मतलब इसके अपने ओन जो थे भाई लोगों ने, अब जो स्पॉन्सर थे वो बैक आउट हो गए, बताइए वो हो गए ये हो गए, तो एक उनका एक सिस्टम बना हुआ है, और आज भी अगर कोई कोई ना कोई ऐसी चीज करता है वो छोड़ते नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड ये अगर उनके टारगेट रेडार में आ गया उसको फेंक देता हूँ उठा के, या हम पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश या जो भी कर रहे हैं मजे कर रहे हैं, कोई डिसिप्लिन की बात ही नहीं है, कोई अवर डिसिप्लिन इज नॉट लाइक द अदर, दे वो एक सिस्टम से आ रहे हैं, हमारे से हो रही है क्योंकि वी आर आउट ऑफ द सिस्टम, अनलेस के है ना, वो आजकल बेचारे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अब मुझे बताएं कौन से लादी वजह क्रिकेट के साथ पढ़ाई हो नहीं सकती, एजुकेशन हो ही नहीं सकती, इंग्लैंड में हो सकती है कि वो सीजन वाइज खेलते हैं या थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं, सीजन 6 महीने ले लें 6 महीने पाकिस्तान, और होती ही रहती है क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान, यहाँ तो क्रिकेट चलती रहती है ना। जावेद मियांदाद साहब,
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त हमको दिया और दिल खोल करके बातें की क्रिकेट के बारे में, अपने तजुर्बात के बारे में। और ये इसमें आपके इस पूरे प्रोग्राम में अलग से आप बयान आपका लेना या कोई, जैसे हम कहते हैं आखिर में कि कोई नौजवानों के लिए कोई पैगाम, तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरा प्रोग्राम ही पैगाम है, न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो जो भी आए आप जिससे भी लें, कम से कम मैं सबको कहूँगा डिटेल में दें कि हम छोड़े हुए हैं, हम खेल नहीं रहे। छोड़े हुए को अपनी पूरी चीज़ें दे देनी चाहिए। वो आ गए आपके पास, रिकॉर्ड आ गई, चलेंगी, लोगों को पता चलेगा तो उनको भी पता चलेगा। और आई होप के दे विल, यू नो, हमें एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए हमेशा अपने उस, मुझे आई यूज टू अपनाता था अक्सर, मैंने जो बॉलिंग कर रहा है बैटिंग कर रहा है उसके एक्शन ये वो करता था, अपनाता था कि यार किसी को भी ग्रेट को आप करेंगे तो उसके अगर 70% भी आपके पास या 30% भी आ गई ना, यू विल बिकम अ डिफरेंट क्रिकेटर। तो मैं ये इसीलिए लास्ट जो क्वेश्चन खत्म करते वक्त मैं यही कह रहा हूँ कि जिस चीज का, क्योंकि आपने ले ली 30% भी ले ली, यू डिड द एवरीथिंग राइट। वाह माशाल्लाह। जिस जगह मैं आया हूँ जी, ये मेरे बहुत मोहसिन भाइयों में से है, दोस्त है, असदुल्ला साहब जो है जी, हम बहुत एक टाइम पे साथ रहे, करते रहे। मुझे ये नहीं पता था कि इन्होंने अपना एक अलग चैनल बना लिया और माशाल्लाह राइट जी जी। तो पहले तो मैं विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह करे कि आपका चैनल फूले फले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी क्रिकेटर जो है आप बिल्कुल लाएँ, दूसरी फील्ड से भी लाएँ, क्योंकि ये चैनल और दूसरे चैनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ कम से कम आप काफ़ी फ्रीली बात कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है, दूसरे चैनल में टाइम लिमिट होती है, क्योंकि लाजिम बात है वो उनमें स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, ये होती हैं, तो उनका टाइम टू टाइम ही चल सकता है, मगर कितनी चीज़ें रह जाती हैं। आज मैं अगर मुझे मिला मौका मिला तो मैंने बोला ना, वरना ये तो कब से चाहता है तो मैं 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकता। सही कह रहे हैं आप, सही। तो जहाँ मौका मिलता है कि जानी चाहिए, जब जो चीज़ जा रही है तो एटलीस्ट हमारी सारी चीज़ जाए तो पता तो चले ना। नाजरीन, अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे हैं और अख्ताम कर रहे हैं। मुझे आज कभी उम्मीद है, यकीन है कि आज की जो सेशन हमारा जावेद मियादाद साहब के साथ हुआ है वो तवील तो हो गया, लेकिन उस तवालत में बहुत फ़ायदेमंद सूदमंद बातें भी हुई पाकिस्तान के बारे में, क्रिकेट के बारे में, नौजवानों के बारे में, और किस तरीके से नौजवान उसको इख्तियार करें जो बातें जावेद मियादाद साहब ने आज की हैं, जो उनके दिल से निकली हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और नाज़रीन, मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ और आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, जैसे मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ, कि इस वक्त स्क्रीन पर इस चैनल का टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो आ रहा है। हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देख करके हमसे रابطے में रहेंगे, को मशवरे देंगे, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर सकें। और जावेद मियादाद साहब जैसे जो हमारे मारूफ पाकिस्तानी हैं, उनको हम इस प्रोग्राम में मदु कर सकें और उनकी बातें सुन सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।